नमस्कार दोस्तों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज हम मैथ का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक का नाम है प्रतिशतता। प्रतिशतता यानी परसेंटेज। प्रतिशतता या परसेंटेज जो होता है सर, ये अपने आप में एक चैप्टर है आपके मैथ के अंदर। इससे अलग भाई ये जो है आपका अरिथमेटिक की जान कह सकते हो आप इसको। क्यों कह सकते हैं? देखिए, मैंने बताया एक चैप्टर प्रतिशतता का है, लाभ हानि, इसके बाद साधन ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इससे अलग आपका मिश्रण और अनुपात, सरलीकरण, इन सब में प्रतिशतता का प्रयोग होता ही होता है। तो आप कह सकते हैं बैकबोन है ये, रीढ़ है ये पूरे मैथ की। फिर बहुत सारे भाई कहेंगे जी, जब इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है तो आप इसको इतना लेट क्यों पढ़ा रहे हैं, शुरुआत क्यों नहीं करी इसकी? तो भाई ये चैप्टर थोड़ा लेंथी चैप्टर है। हमने अब तक उन चीज़ों को पढ़ाया जो इसके बगैर आप समझ सकते थे आराम से, जहाँ पर, क्योंकि बेसिक नॉलेज जो परसेंट की होती है वो सभी को होती है सर, ठीक है। लेकिन जिनको आप समझ सकते थे हमने उनको पढ़ा दिया। अब इसको ले रहे हैं, इसके बाद इस पर जो डिपेंड चैप्टर है उनको उस हिसाब से भी कराएंगे हम, ठीक है। अब इतना लेंथी चैप्टर होने से अगर हम शुरू में इसी को लेते तो बहुत सारे बच्चे बोर फील करने लगते हैं कि भाई अभी एक ही चैप्टर ख़त्म नहीं हो रहा, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है सर, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा रोक कर रखा सर। कोई दिक्कत नहीं है वैसे, अभी आप सब कुछ समझ में आ जाएगा सर। तो प्रतिशतता देखिए सर, शुरुआत करते हैं प्रतिशतता की। प्रतिशत जो है सर, ये दो शब्दों से मिला हुआ है, प्रति प्लस शत, प्रत्येक और सौ। प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब सौ, ठीक है। तो प्रतिशत प्रत्येक सौ में से कितना है उसको प्रतिशत के रूप में बताया जाता है सर। अगर वो कह रहा है कि 20% तो 20% का मतलब है 100 में से 20। अगर वो कह रहा है 18% तो इसका मतलब 100 में से 18। जब 100 में 18 है तो 50 में 9 है, 200 में 36 है सर, ठीक है सर। अच्छा सर, अभी देखिए जब हम प्रतिशत की बात करते हैं तो जब हम स्पेशल कंपटीशन की बात करते हैं तो हमें टाइम का भी ध्यान रखना होता है। तो जो सवाल सेट किए जाते हैं, एग्जामिनर जो सवाल सेट कर रहा है प्रतिशत से जुड़े हुए, वो थोड़े लैंग्वेज में लेंथी सवाल होते हैं। अगर हम ऐसा करें, थोड़ा सा इसको समझ ले परसेंट को, तो हम सवाल को पढ़ते पढ़ते ही उसकी आधी से ज़्यादा कैलकुलेशन हम मेंटली कर सकते हैं, पेन उठाने की जरूरत ना पड़ेगी इसमें। उसके लिए हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझकर चल रहे हैं सर। देखिए सर, अभी पहले ये देखते हैं कि मान लिया कह रहा आपसे कोई ए का 100% या ए का 50% या ए का 20%, मान लिया इस तरह का आ रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? देखिए, हमें छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है ए का 20% का मतलब ए, का मतलब है गुणा, 20% का मतलब बटे 100। ऐसे ही ए का मतलब गुणा 50 को ऐसे ही लिखेंगे, परसेंट का मतलब बटे 100। ए का 100%, 100% मतलब ए गुणा 100 बटे 100, ठीक है। अब जब इसको हम करते हैं तो ये आ गया ए, ये आ गया ए बटे 2 और ये आ गया ए बटे 5। तो ए का 20% का मतलब ए बटे 5, जो संख्या का 20% निकालना है उसको 5 से भाग दे दीजिए, ये कह सकते हैं सर। ए का 50% का मतलब जिस संख्या का 50% निकालना है उसको 2 से भाग दे दीजिए सर, ठीक है। लेकिन अब हमें इसको दूसरे वे में भी समझ सकते हैं। अब हम ए को ही गायब कर देते हैं। अगर हम ए को गायब करें तो हम क्या कहते हैं सर, 50% मतलब 50 बटे 100, मतलब 1 बटे 2। याद रखना, इस तरह से हम परसेंट को भिन्न में बदलते हैं, फ्रैक्शन में बदलते हैं सर। 50% मतलब 50 बटे 100, 1 बटे 2। तो किसी भी संख्या जो परसेंट में दे रखी है उसको भिन्न में बदलना है तो परसेंट की जगह बटे 100 कर देना सर, ठीक है। ऐसे ही अगर वो कह रहा है 20%, अभी कुछ लिखना मत प्लीज, तो 20 बटे 100, 20 बटे 100 का मतलब 1 बटे 5, ए का 5वां भाग या 1 बटे 5 है, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर आप समझते हैं तो इसका फायदा बहुत होगा हर चैप्टर में।
कैसे आएगा उस पर भी आते हैं हम। पहले अब इसको समझना शुरू करते हैं सर। 20% का मतलब 20/100 यानी 1/5। अब इसको हम बीच वाले पोर्शन को हटा देते हैं सर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो नीचे संख्या होती है वो कंप्लीट संख्या है और ऊपर जो संख्या वो परसेंट संख्या है। ये कंप्लीट नंबर, ये परसेंट नंबर, तो 5 टोटल है तो उसका 20% क्या है, 1 है। 5 का 20% 1 है, 2 का 50% 1 है, 1/2 का मतलब आधा, आधा का मतलब 2 में से 1, तो इसलिए 2 में से 1 लेंगे तो वो 50% होगा, 5 में से 1 लेंगे तो 20% हो जाएगा भाई। क्लियर हो गया सर, 5 में से 1 लेंगे 20% हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या कह रहे हैं सर, जब 5 में से 1 ले रहे हैं 20% है, तो 20% का मतलब 5 में से 1, 10 में से 2, 15 में से 3, अगर कहे 50 में से 20% निकालना है तो जब 5 में से 1 है तो 50 में से कितने निकलेंगे, 10 निकलेंगे, 500 में से 100 निकलेंगे, 5000 में से 1000 लेने पड़ेंगे, तो 5000 में से 1000 ले तो 20% हो जाता है सर, ठीक है। एक बात और सर, हो सकता आप में से बहुत सारे भाई बोर हो जाएं, आज का जो पूरी वीडियो रहेगी उसमें सिर्फ हम इसी भिन्न को परसेंट को भिन्न में बदलने की प्रैक्टिस कराएंगे सर आपसे, लेकिन याद रखना इससे बचना मत सर, क्योंकि अगर आप इसको ढंग से कर गए ना तो बहुत सारे चैप्टर बहुत आसान हो जाएंगे आपके सर, ओके। तो पहले कुछ चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान में रख लेनी चाहिए सर, आ जाते हैं सर। अभी जो हमने भिन्न बदला उसके हिसाब से 100% बराबर कितना हुआ, 1, 50% बराबर कितना हुआ भैया, 1/2, अगर 33 सही 1/3% है तो ये कितना हुआ, 1/3, अगर हम 1/4 लाएं तो कितना हो जाएगा, 25%, फिर 20% पर कितना हो जाएगा, 1/5, ठीक है 1/5, फिर 1/6 लाएं तो 16 से ही 2/3% बराबर 1/6, यहां तक क्लियर भाई, ओके सर। इसके बाद 1/7 लाए तो 14 से ही 2/7% बराबर 1/7, ठीक है। इसके बाद 1/8 लाए तो इसका मतलब है 12 सही 1/2, 12:12:1/2% बराबर है 1/8, ठीक है। इसके बाद 11 सही 1/9% बराबर 1/9, 10% की बात करें तो 1/10, ओके। इसके बाद 1/11 की बात करें तो इसका मतलब है 9 सही 1/11%, इन दोनों को थोड़ा ध्यान रखना। और अगर 1/12 की बात करें तो 8 सही 1/3, ओके 8 सही 1/3%, कोई डाउट नहीं भाई, ठीक है। देखिए ये कुछ परसेंट के हमने फ्रैक्शन बना दिए हैं, प्लीज इनको नोट कर लीजिए, ओके सर, ठीक है। इसके बाद हमें इनसे अलग जो जरूरत पड़ती है उसको भी देखते हैं अब हम। देखिए इनमें से जो महत्वपूर्ण है वो क्या बोलते हैं, वैसे तो यहाँ तक सारे ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनमें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके ये वाले जो चार हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये सबको देखते ही समझ में आ जाता है 10% वाला, इसकी भी बहुत जरूरत पड़ जाती है हमें, ठीक है। लेकिन ये जो चार हैं ये वाले इधर वाले 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई आपके, वैसे आपके सारे याद होने चाहिए सर। इसके बाद देखिए अभी मैं इसका प्रयोग भी बताऊंगा कहां पर फ़ायदा होने वाला है, कैसे फ़ायदा होने वाला है। चलिए पहले एक उदाहरण देख लेते हैं सर। सर मान लिया कहा गया कि भाई एक व्यक्ति के पास 7200 रुपये हैं, उसने उनमें से 16 से ही 2/3% खर्च कर दिए। एक व्यक्ति के पास 7200 हैं, उसने 16 से ही 2/3% खर्च कर दिए, इतने परसेंट खर्च कर दिए तो छठा भाग खर्च कर दिया, ठीक है। तो 6 से भाग दिया कितना बच गया भाई, 1200 खर्च हो गए सर उसके, 6000 बाकी बचे हुए हैं, समझ में आ गया सर। तो आप मुझबानी बता सकते हो इसको, ओके। तो मतलब कैसे फायदा होगा वो तो हम मतलब क्वेश्चंस के दौरान बताएंगे आपको, लेकिन पहले अभी इसको समझिए सर। एक और देखते हैं, अभी इनमें फ्रैक्शन में हम और भी आपको बता सकते हैं,
ठीक भाई, अभी इनसे अलग और फ्रैक्शन बनती है, जैसे अभी हमने बताया 10% 1/10, लेकिन 5% की अगर बात करें तो भैया 10% का आधा यानी 1/20 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और बहुत जरूरी याद रखना आपको, 1% कितना होता है, 1/100, 1% 1/100 होता है सर। अब अगर आपको इतना सब चीज याद हो गई थोड़ी सी, तो अब आप क्या करेंगे सर? सपोज कीजिए एक सवाल आ गया आपको, कहीं थोड़ा सोचना है सर कि 4000 का 35% बताओ, ठीक है, 4000 का 35%, अगर आपने उस चीज को बहुत आराम से समझा है, ढंग से समझा है, तो अगर जो आपको याद है उसी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं, 35% मतलब 10% और 25%, अब 25% यानी आधा, सॉरी चौथाई, 1000 हो गया, और 10% मतलब दसवां भाग 400, तो आंसर आ गया 1400। ये सारी कैलकुलेशन मेंटली हो जाएगी सर, इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी कीमत पर, लेकिन तब जब आप इसमें एक्सपर्ट हो तो, ठीक है। जैसे एक सवाल और ले लेते हैं हम सर, देखिए जरूरी नहीं कि आपकी जो फ्रैक्शन आपने याद कर रखी है वही चीज आपको जरूरत पड़े, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठे हुए उनसे अलग भी जरूरत पड़ सकती है सर, ठीक है। कैसे जरूरत पड़ सकती है, जैसे मान लिया ये आ गया कि भैया 50,000 रुपए हैं, ठीक है, 50,000 रुपए हैं 9% पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिए गए, एक छोटा सा बता रहे हैं अभी, सवाल नहीं बता रहे, 50,000 रुपए 9% दर पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिए गए, ब्याज कितना होगा, मान लिया ये आ गया सर। तो अब देखिए 1 वर्ष का 9% तो 3 वर्ष का कितना हो गया 27%, 27% ब्याज होगा सर, 27% का मतलब 25% और 2%, 25% और 2% निकालना है सर। अब इसका 25% निकालेंगे, चौथाई करेंगे, 12,500, 12,500 रुपए हो गया, ये तो मुझबा नहीं कर सकते चौथाई तो, क्योंकि इसका आधा 25,000 का आधा 12,500, 12,500 रुपए तो ये हो गया। अब 2% निकालना है, तो अभी मैंने क्या बताया सर, अभी हमने बताया कि 1% कितना होता है सौवा भाग, सौवा भाग मतलब 500, 1% 500 तो 2% 1000, 12,500 और 1000 कितने हो गए भैया 13,500, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो सर, समझ में आ गया सर। तो इस तरह से आप जो है ना सवालों में इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं सर, लेकिन याद है तो, अभी आ जाते हैं सर। अभी हमने क्या बताया सर, अभी मान लिया आपसे कोई कहने लगे कि भैया बताइए 35% को भिन्न में बदलो, तो इसका मतलब 35/100, अब 7/20 आ गया, 35% का मतलब 7/20 आ गया सर, ठीक है। अब यहां तक तो हमारा ठीक है सर, ये तो सिंपल चीज आ गई सर, इसको हमने डायरेक्ट कर दिया 35/100। लेकिन सर अगर वो ऐसे सवाल दे रहा है जिसमें भिन्न से हमें परसेंट बदलवा रहा है, तो भिन्न से परसेंट कैसे बदलते हैं, अभी हमने बताया था कि भैया 20% बराबर 20/100 बराबर 1/5, लेकिन अगर हमें 1/5 को भिन्न में बदलना, परसेंट में बदलना, तो 1/5 को परसेंट में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे और परसेंट लगा देंगे सर, ठीक है, गुणा 100 करके परसेंट लगाना होता है, बस याद रखना 20% आ गया, 1/5 का मतलब 20% आ गया। लेकिन लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये वाला जो सवाल है ये सिंपल में थोड़ी आएगा, थोड़ा टिपिकल भी आ सकता है, बटे सही बटे वाला भी आ सकता है, तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो उसके लिए अभी हमने आपको कहाँ तक कहा, 1/2 से लेकर 1/12 तक याद करने के लिए बोल दिया। अब सपोज कीजिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भैया 2/5 को परसेंट में बदलो, 2/5 को परसेंट में बदलना सर। अब ध्यान से सुनना सर, 2/5 को परसेंट में बदलना है तो जो नीचे वाली संख्या इस पर फोकस कीजिए, ऊपर वाली पर मत कीजिए सर, नीचे वाली संख्या पर फोकस करना, ऊपर वाली संख्या को देखना ही नहीं है। 5 कहां पर पड़ता है, 1/5, तो हमें 1/5 को देखिए, 1/5 बराबर 20%,
ठीक है, 1/5 20% है, लेकिन हमें बताना 2/5, तो हमें नीचे वाली संख्या के वाला है, नीचे वाली संख्या मैंने उसको ध्यान देना है सर। अब 2/5 है तो यानी इधर भी 2 की गुणा हुई है, तो इधर भी 2 की गुणा करेंगे तो 2/5 कितना हो गया, 40% हो गया। क्लियर हुआ सर? थोड़ा और बढ़ते हैं सर। मान लिया आपके सामने आ गया 3/8%, 3/8 को परसेंट में बदलूंगा। अब 3/8 को परसेंट में बदलना है तो कैसे करेंगे सर? इसको बदलने के लिए हमें सिंपल सा सोचना सर, 1/8, 1/8 का मतलब 12 सही 1/2। मैंने थोड़ा दूर लिख दिया है क्योंकि 12 is to 1/2, यानी 12 सही 1/2 का मतलब 12 + 1/2 होता है ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा दूर लिख दिया 1/8, 12 सही 1/2। अब ये कह रहा 3/8, तो इधर 3 की गुणा होनी है, 3/8 तो 3 की गुणा होनी है, तो इसमें करेंगे 36 और 3/2, इसमें भी 3 की, इसमें भी 3 की, दोनों में होगी ना तब, ठीक है, 12 + 36 और इसमें 3/2 हो गया। अब 3/2 तो 1 से बड़ा हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, 3/2 को बोलेंगे 36 और 1 सही 1/2, डेढ़ ये हो गया और 36 ये हो गया, तो दोनों को जोड़े तो कितना हो गया, 37 सही 1/2, 37 is to 1/2% आंसर। यहां तक बताइए क्लियर है सर? इसी तरह से आप कोई भी फ्रैक्शन, याद रखना मैं कह रहा हूं आज प्रैक्टिस पर ज्यादा जोर है हमारा, तो प्रैक्टिस करते हैं, एक और देख लेते हैं सर अब हम, ठीक है। जैसे अभी आपका आ गया 2/9%, सॉरी मैं बार बार वही गलती कर रहा हूं, 2/9 को परसेंट में बदलना है। अब इसमें मेन क्या है, 9, 1/9 क्या होता है, 1/9 यानी 11 सही 1/9%, 1/9 का मतलब 11 सही 1/9% है, ओके। लेकिन ये कह रहा 2/9, तो 2 की गुणा इधर भी तो इधर भी, तो कितना हो गया, 12 सही 2/9%, 22 सही, तो 22 सही 2/9% आंसर आ गया सर। यहां तक भी क्लियर है सर? ओके सर। अब इसी तरह से आप कोई भी फ्रैक्शन नहीं बना सकते हैं सर, कोई भी आ रहा सर, आप आराम से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए वो कह रहा है कि भैया 3/4 को परसेंट में, 3/4 तो 1/4 कितना होता भैया, 25%। जब 1/4 25% है तो 3/4 यानी 3 की गुणा इधर भी 3 की इधर भी, तो कितना हो जाएगा भैया, 75%। बहुत सारे कहेंगे जी ये आसान लगा, पहले वाला थोड़ा टफ लग रहा था, तो भाई ये टेंडेंसी होती है बहुत सारे भाइयों की, वो जो है सही बटे में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। पूरी पूरी संख्या मिले कैलकुलेशन आराम से कर देंगे, जैसे ही बटे में आए दशमलव में आए वो कंफ्यूज रह जाएंगे। तो भैया बटे आए दशमलव आए, तरीका तो वही है ना, आपको तरीके पर ध्यान देना है, कैलकुलेशन पर ध्यान नहीं देना, कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी अगर आप तरीका ढंग से सीख रहे हैं। समझ में आ गया सर? ठीक है सर। लेकिन देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनका प्रयोग कैसे होगा सवाल के दौरान वो चीज़ हम बताएंगे, पहले आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार इनको देखेंगे, उतना ही आपके 5-7 चैप्टर में पकड़ बनती चली जाएगी। जो हमने चैप्टर्स के नाम बोले हैं उन चैप्टर में अगर आपको पकड़ बनानी है तो इस चीज़ पर प्रैक्टिस दीजिए, ध्यान दीजिए सर, जो जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए सर, ठीक है। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट से फिर सवालों को कीजिए, और ये चीज़ ध्यान रखिए चुटकियों में सवाल होगा, टाइम कुछ नहीं लगेगा सर, और ना ही कोई ट्रिक याद करने की जरूरत पड़ेगी आपको। ओके, आ जाते हैं सर। अभी देखिए कि मान लिया ये कहा जाए कि (216 = 2/3%) को भिन्न में बदलो, परसेंट को भिन्न, भिन्न को परसेंट, तो इस बार 216 से ही 2/3% को भिन्न में बदलें, आ जाते हैं सर। अब ऐसी स्थिति में हम करना क्या है सर, 216 से ही 2/3% को भिन्न में बदलना है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 200 + 16 से ही 2/3% है, 216 से ही 2/3% है। अभी हमने क्या बताया था, 100% होता 1, 150% डेढ़, 200% दो, 300% तीन, 700% सात,
1100% 11 होगा सर। तो अगर 200% की बात करें तो इसकी वैल्यू है 2, और 16 से ही 2/3 की बात करें तो 1/6, ठीक है अभी आया था, ठीक है 6 × 2 = 12 और 1 = 13, 13/6 या 2 से ही 1/6 भी कह सकते हो, ठीक है। तो 216 से ही 2/3% का मतलब 2 से ही 1/6 या 13/6 भी होता है सर। और चलें थोड़ा सा, ओके इसके बाद देखिए सर, मान लिया वो कह रहा आपसे कि भैया 512.5% या 512 से ही 1/2%, 500% पूरा और 12.5-12.5%, तो इसको बोलेंगे हम 500% प्लस 12.5%, ये किसका इसका कितना हो गया 5 × 1/8, इसका 1/8 हो गया 41/8, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं सर। फिर बोल रहा हूँ कि इनका प्रयोग कैसे होना वो अलग मैटर है सर, ठीक है। दूसरी सर, अब सपोज कीजिए सर, मान लिया आपसे कुछ सवाल थोड़ा सा घुमा कर दे दिया उन्होंने, जैसे अभी मान लिया आ गया 7/8, 7/8 को परसेंट में, 7/8 को परसेंट में बदलना है। अब देखिए अगर हम इसको करते हैं 1/8 के हिसाब से, 1/8 मतलब 12.5%, ऐसा ही है ना, 1/8 का मतलब 12.5%, अगर इस हिसाब से करते हैं 7 की गुणा करनी पड़ेगी तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी। एक काम और कर सकते हैं सर हम, अगर ये संख्या इसके नजदीक है तो थोड़ा उल्टा सोचिए, ये कम कितनी है, 1 कम है सर, 1 − 1/8, तो कितना हो जाएगा 7/8, 7/8 बराबर 1 − 1/8, 8 × 8 में से 1 गया, 7/8 हो गया, और 1 पर का मतलब है 100%, और इसका मतलब है 12.5%। तो इसको हमें समझना है सर, मैं बोल रहा हूँ कि हमें समझ विकसित करनी है, आज हम सिर्फ समझ विकसित कर रहे हैं, आज हम सवाल नहीं कर रहे सर। तो 100% में से 12.5% घटाना है तो कितना आ गया भैया 87.5%। अब बहुत सारे यहाँ भी कन्फ्यूज है, 87.5% कैसे आ गया, यहाँ पर घटाने में भी दिक्कत होती है, तो उसके लिए ध्यान से देखना सर। अगर आपको 100 में से किसी चीज़ को घटाना है, 100 में से क्या किसी को भी भिन्न में बटाना है, तो 100 − मान लिया आपको घटाना 12.5 जैसे अभी बोला हमने, तो आप 12 मत घटाइए, इससे एक फालतू घटाइए, ध्यान से सुनना। जब ये पूर्णांक है और ये बट्टे में है, सही बट्टे में है, तो ऐसी स्थिति में जो होता है सर, तो जो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं तो उसको घटाते समय इसमें से इसको एक फालतू घटाते हैं, तो 100 में से 12 की बजाय 13 घटाएं तो 87 बचा, ठीक है 87 तो ये बचा, एक फालतू घटाना याद रखना, और 1/2 है तो 2 में से 1 घट गया तो 1 ही बचा, 1/2 बच जाएगा सर। थोड़ा और क्लियर करते हैं सर, मान लिया आपको 100 में से 6 से ही 2/3 घटाना है, तो 100 में से 6 मत घटाइए 7 घटाइए, 93 बचा, ठीक है। अब 2/3, 3 में से 2 निकल गया, बचा कितना 1, 3 में से 1 बचा हुआ है, 3 में से 2 तो चला गया क्योंकि वो तो घटा दिया हमने, 1 बच गया सर, तो 1/3 बचा, 93 = 1/3, 93 से 1/3%, समझ में आ गया सर, ओके सर। एक और देखते हैं, मान लिया आपसे कभी किसी सवाल में कहा गया कि भैया 65 − 11 सही 7/13, इस तरह का आ गया सर सवाल, तो 65 में से 11 नहीं घटाना 12 घटाना है, 12 घटाएंगे तो 53 बचेगा, 53 बचेगा, और 7/13, 13 में से 7 निकल गया, कितना बचा 6, 13 में बचा हुआ 6, हमें तो शेष बचाना है, यहाँ तक क्लियर है सर, ओके सर। इसके बाद अभी हमें जो जैसे एक सवाल आ गया हमारे सामने कि भैया 5/6 को परसेंट में बदलो, आप ट्राई करिए 5/6 को परसेंट में बदलना है, ओके सर। देखिए 5/6 का मतलब 1/6 बराबर 16 से ही 2/3%, अब इसमें अगर हम 5 की गुणा करें इधर भी और इधर भी तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है तो कर दो ये इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे तरीके से देखते हैं। 5/6 का मतलब है 1 − 1/6, 1 − 1/6, ठीक है,
वन माइनस वन बाई सिक्स फाइव बाई सिक्स होगा, तो ये हो गया 100%। एक तो है 100% अभी बताया, और ये है 16/2/3%। 1/6 होता 16/2/3%, ये माइनस है सर। ओके, अब 100% में से 16 गए, 100 में से 16 घटाएंगे 17 घटाएंगे, 17 घटाएंगे 83, और 3 में से 2 गया 1/3%। इन सभी की जरूरत पड़ने वाली है सर आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको, ठीक है। इसकी जो प्रैक्टिस, मैंने कह रहा हूं कि आज का पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर आधारित है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सर। एक और सवाल लेते हैं सर। अभी हमने 100 से ज्यादा भी ले लिया, 100 के पास जो होता वो भी ले लिया, और नॉर्मल जो है वो तो हो ही हो गए सर, ठीक है। जैसे अभी आपसे कोई कह रहा है सर कि किसी व्यक्ति की इनकम जो है 25% बढ़ गई, किसी व्यक्ति की आय 25% बढ़ गई, और 25% बढ़ने के बाद 37,500 रुपए हो गई। एक व्यक्ति की इनकम 25% बढ़ने पर 37,500 रुपए हो गई, तो उसकी ओरिजिनल आय कितनी थी, पहले कितनी थी सर? अब देखिए सर, तो पहले जो थी वो 100% थी, अब 25% बढ़ी है सर। 25% यानी 1/4, तो पहले 100% थी, अब 25% बढ़ी है, तो अब 5/4 हो गई, ठीक है सर। 5/4 है 37,500, तो चार मतलब चार हिस्सा ओरिजिनल थी, अब पांच हिस्से हो गई है, पांच यूनिट हो गई है, पांच भाग हो गई है। 5,000 37,500 है, पांच भाग जो है, तो एक भाग कितना है 37,500/5, 7,500 का, 7,500 का एक भाग है, तो एक भाग 7,500 बढ़ी है, तो पहले कितनी थी 30,000 थी, या चार भाग करेंगे तो भी 30,000 थी सर। कुछ भाइयों को ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं सर, हमें कहीं की इतनी जल्दबाजी नहीं है कि हम उस जल्दबाजी के चक्कर में सवालों को मिस करें, ठीक है। देखिए सर, इस जो हमने आज थोड़ी सी प्रैक्टिस शुरू करी है, इसको हम आज को हमें यहीं पर विराम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो बताया वो पहले आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। अगली जो वीडियो बनाएंगे हम उसमें शुरुआत प्रैक्टिस से करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पर आएंगे सर। लेकिन प्लीज़ तब तक, अगली वीडियो आने तक, अगली का मतलब कल ही इसकी वीडियो आएगी अगर ऊपर वाले ने हमको सही सलामत रखा सभी को, तो ऐसी स्थिति में तब तक आपको ये जो हमने फ्रैक्शन लिखवाई हैं, भिन्न लिखवाई हैं, ये आपके दिमाग में फीड हो चुके होने चाहिए। तब तक आपको जो हमने प्रैक्टिस कराई है ये सारी प्रैक्टिस हो चुकी होनी चाहिए सर, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं भाई। जय हिंद भाइयों।